हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम देखेंगे परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का एक कंबाइंड केस लेट देखेंगे, केस लेट डीआई फॉर प्री लेवल ऑफ पीओ। ठीक है, क्लर्क में इस लेवल का नहीं आएगा, बट मैं आपसे कहूंगा आपको ये प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, आपको पता चले कि अर्थमेटिक का यूज आपको डीआई में कैसे करना है। बेसिकली अर्थमेटिक डीआई है, एंड यकीन मानो अगर आप इसे सीखते हैं, इट्स अ फेबुलस डीआई। ठीक है, आपको बहुत मजा आ जाएगा करके। क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद आपको मेरी अप्रोच ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो और प्रीवियस वीडियोस देखो। देखो मैंने वैदिक के वीडियोस आपको बता रखे हैं, वैदिक के, इससे पहले परसेंटेज के वीडियोस और प्रॉफिट एंड लॉस के, और कुछ मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस या फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। उस सीरीज को देखो, उसके क्वेश्चंस देखो। टोटल अरिथमेटिक बता रहा हूँ मैं आपको, इजी फॉर्म में। क्या इसकी क्या स्मार्ट अप्रोच हो सकती है उसे? ऐसे नहीं है फोकस हमारा ट्रिक्स पे है। देखो तो मेंस में कभी भी आप ट्रिक्स अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी एक रियलिटी है, मगर प्री में अगर आपको स्कोर करना है 100%, तो आपको एक स्मार्ट अप्रोच पता होनी चाहिए हर एक क्वेश्चन में। वो चीजें कैसे आती है? वो आती है आपकी प्रैक्टिस से या मॉक टेस्ट से। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, देखना इस क्वेश्चन को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं। देखो केस लेट डी आई है, ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। उससे पहले आपको डिकोड करना है ना क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। थ्री कंपनीज ए बी सी ईच सेल सम क्वांटिटी ऑफ टोटल शुगर प्रोड्यूस बाय द, ठीक, द कंपनी द सम ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर प्रोड्यूस बाय ए एंड द क्वांटिटी ऑफ शुगर सोल्ड बाय सी इज 300 टन। ठीक है, ये क्लियर। नेक्स्ट, द टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर प्रोड्यूस बाय बी इस 25% लेस देन के बाद क्या आ रहा है? इस टोटल शुगर सोल्ड बाय सी, यानी अगर ये 4 यूनिट्स है तो ये कितना होगा? 3 यूनिट्स। कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए आप सब चीज कैलकुलेट कर सके माइंड में। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ शुगर सोल्ड बाय ए एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर प्रोड्यूस बाय बी कितना है? सर 7:9। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं आगे। द टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर प्रोड्यूस बाय ऑल थ्री ऑफ देम इज 525। ऐसे याद रख लेंगे, ऐसे ही लिख लेते हैं इसे। ये टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन। क्वांटिटी ऑफ शुगर नॉट सोल्ड बाय ए, अच्छा जी देखो ये भी दे रखा है, नॉट सोल्ड बाय ए कितना है सर? 15 टन्स। नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ शुगर सोल्ड बाय बी कितना है? नॉट सोल्ड बाय ए है और नॉट सोल्ड बाय बी कितना है? 90 टन्स। इतना क्लियर है? अब देखो, अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एस सी कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे एस सी कॉमन दिख रहा है। प्रोडक्शन बाय ए मैं कितना मान लेता हूँ? एक्स। बताएं, क्लियर है? प्रोडक्शन बाय ए कितना मान लेते हैं? एक्स। तो सोल्ड बाय सी कितना हो जाएगा सर? 300 माइनस एक्स। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ प्रोडक्शन बाय बी कितना, देखो ये हमारी इक्वल है 4 यूनिट्स के। अब प्रोडक्शन बाय बी कितना है? 3 यूनिट्स की, यानी प्रोडक्शन बाय बी की 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4 × 300 - x, इतना आप समझ सकते हैं। अब जब आप पे प्रोडक्शन बाय बी है विच इज इक्वल टू 9 यूनिट्स, यानी अगर 9 यूनिट्स की वैल्यू ये है, यू कैन फाइंड आउट सोल्ड बाय ए कितना है? 7 यूनिट्स। तो सोल्ड बाय ए कितना है सर? 7 यूनिट्स, यानी 7/9, ठीक है ना, × 3/4। आप स्टेप स्टेप मार्किंग के तरीके से कर सकते हैं, एक एक स्टेप लिख के चीजें कर सकते हैं, हम डायरेक्टली कर देते हैं। ठीक है, सब डिपेंड करता है कैलकुलेशन पे। ये कैंसिल हो गया 3, तो कितना आ गया? ये हो गया 3/7/12, यानी कितना आ जाएगा? 7/12, 7/12 ऑफ 300 - x, ये क्या है हमारा? सोल्ड बाय ए। तो वो सोल्ड बाय ए पता है आपको, नॉट सोल्ड बाय ए कितना है? 15, देखो इधर गिवन था। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इतना आपने समझ लिया ना। ठीक है, सोल्ड बाय ए कितना है सर? इतना, और नॉट सोल्ड बाय बी, नॉट सोल्ड बाय ए कितना है? 15, ये कितना है सर? 15। और टोटल प्रोडक्शन कितना है? एक्स, यानी क्या मैं ये लिख सकता हूँ? एक्स इक्वल्स टू प्रोडक्शन इक्वल्स टू सोल्ड प्लस नॉट सोल्ड, यानी 7/12 × 300 - x +50, यही तो है भाई। टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा? टोटल सोल्ड बाय ए और नॉट सोल्ड बाय ए। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर लो फिर। नहीं, इसे आपको पहले एलसीएम लेना है। कितना हो जाएगा सर? हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 12x, देखना कैसे कराए। 7 - 7x
प्लस 15 इंटू 12 होगा, 15 में भी 12 का इंटू होगा, यानी कितना हो जाएगा 180, ये होगा 2280। ठीक है, 19 वजह 19, 2 जो 38 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 120। अब यहां से आप सब चीजें फाइंड कर सकते हैं, एक्स मतलब क्या था, प्रोडक्शन ऑफ ए, बताओ ये चीज समझ में आ गई, प्रोडक्शन ऑफ ए हमने कैसे निकाला बताइए, क्लियर है? तो अब मैं इसे इतना इरेज कर देता हूँ, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ए हमारा यानी एक्स वो कितना आ रहा था हमारा 120, ठीक, आप समझना। सोल्ड बाय ए हमारा कितना था हमें नहीं पता, लेकिन मुझे पता है नॉट सोल्ड बाय ए कितना है सर मेरा, नॉट सोल्ड बाय ए है मेरा 15, तो भाई प्रोडक्शन में से ये माइनस कर दूंगा तो सोल्ड बाय ए की वैल्यू आ जाएगी ना कितनी आ जाएगी 105। इसी तरीके से प्रोडक्शन बाय बी निकालो, सोल्ड बाय बी निकालो और नॉट सोल्ड बाय बी निकालो, ये तीन चीजें। इसी तरीके से प्रोडक्शन ऑफ सी निकालो, सोल्ड बाय सी निकालो और नॉट सोल्ड बाय सी निकालो, तो प्रोडक्शन ऑफ बी देखते हैं सर। देखो जी हमें क्या पता है, सोल्ड बाय ए, सोल्ड बाय ए कितना है सर 7 यूनिट्स, यानी 7 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, यहां से मैं लिख सकता हूँ 105, ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 यूनिट्स, तो 9, प्रोडक्शन ऑफ बी आप यहां से निकाल सकते हैं 90, सॉरी 9 इंटू 15 इंटू 9 यानी 135, बताएं। सोल्ड बाय बी निकालना है आपको, अच्छा सोल्ड बाय बी पता है मुझे कितना है 90 डायरेक्टली दिया हुआ है, नॉट सोल्ड बाय बी कितना हो जाएगा सर मेरा 45, क्लियर? देखो ये तीनों चीजें निकल गई, अब यही सब चीजें पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब सोल्ड बाय सी, सोल्ड बाय, अच्छा प्रोडक्शन ऑफ बी यानी कितना है मेरा 135, अब देखना प्रोडक्शन ऑफ बी इक्वल टू 3 यूनिट्स, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा 45, तो सोल्ड बाय सी कितना होगा 45 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 180, ठीक। अब आप कहोगे कि सर प्रोडक्शन ऑफ सी कैसे निकाले, देखो तो टोटल कितना है 525, इन दोनों को प्लस करके 525 में से माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यू 100 235 प्लस 255, 255 को 525 से माइनस करोगे तो कितना आएगा 12 माइनस 5 7, 4 माइनस 2 70, 270 प्रोडक्शन ऑफ सी इज 270, सोल्ड बाय सी इज 180, नॉट सोल्ड बाय सी इज 90, बताओ क्लियर है इतना? हमने तीनों के सब चीज कैलकुलेट कर लिया, आप देखना क्वेश्चन कितनी जल्दी होता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस बाय ए एंड बी टुगेदर, डिफरेंस एंड द क्वांटिटी ऑफ शुगर नॉट सोल्ड बाय बी एंड सी, नॉट सोल्ड बाय बी एंड सी, नॉट सोल्ड बाय दोनों का, तो ये आप कर सकते हो क्वेश्चन। ए कितना प्रोड्यूस, ए और बी कितना प्रोड्यूस कर रहे थे, अभी हमने प्लस करा था कितना आ रहा था 255 माइनस नॉट सोल्ड बाय बी एंड सी, तो आप पीछे से देख लो नॉट सोल्ड बाय बी और सी कितना है 45 और 90, 135, राइट 135 माइनस इन दोनों को डिफरेंस कितना होगा 120, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर प्रोड्यूस बाय सी, प्रोड्यूस बाय सी कितना था मेरा आई थिंक 270 था, राइट है ना, टू द क्वांटिटी ऑफ शुगर नॉट सोल्ड बाय ए, नॉट सोल्ड बाय ए कितना था 50, कितना था 15, तो कैंसिल कर दो 15 वन जा 15, 15 8 जा, यानी 18:1, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज क्वांटिटी ऑफ शुगर सोल्ड बाय ऑल दी थ्री कंपनीज टुगेदर, तो ए बी सी का टोटल आपको क्या करना है, एवरेज के लिए क्या करोगे, टोटल वो सोल्ड कितना करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय, टोटल ए कितना सोल्ड कर रहा था देख लेते हैं पीछे से, ये हो गया हमारा 270 और 105, कितना हो जाएगा 375 बाय 3, कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 125 इज द आंसर विच इज डी ऑप्शन दिल्ली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर नॉट सोल्ड बाय बी इज 20% ऑफ द टोटल शुगर प्रोड्यूस बाय कंपनी डी, है ना, ये होमवर्क है, इसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसका आपको क्या करना है, इसका आंसर कॉमा, इसमें आपको कितना टाइम लगा, सपोज आपको लगे 60 सेकेंड या आपको लगे 50 सेकेंड, वो जरूर कमेंट करना है, इस तरीके के और वीडियो चाहते हो। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर प्रोड्यूस बाय बी इज हाउ मच, बी कितना प्रोड्यूस कर रहा था हमारा, बी हमारा प्रोड्यूस कर रहा था 135, 135 इज हाउ मच परसेंट लेस देन द शुगर सोल्ड बाय ऑल द थ्री कंपनी, वो अभी मैंने पीछे निकाला था 375, कितना लेस है, इन दोनों का डिफरेंस है ये आप निकाल सकते हो, 7 माइनस 3 4 240, तो आंसर, योर आंसर विल बी ई ऑप्शन, बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी,
ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करके बताइएगा अपने जो भी डाउट्स है आपको कमेंट करने, ठीक है, आंसर आपको जरूर कमेंट करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, और जो भी होमवर्क था पिछली वीडियो में पेंडिंग जो भी होमवर्क है अगर कोई, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना रखते हैं, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू गाइस।